दिए 2004 में ए और बी की आय समान है, तो 2004 में ए और बी की आय 2004 है ये, आय पर इनका प्रॉफिट है ए का 45% और बी का है 35%। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो है व्यय पे निकाला जाता है। तो मान लेते हैं इनका व्यय, ए का व्यय था एक्स, तो एक्स का 45% यानी 145 अपॉन 100 ये व्यय हो जाएगा, और वाई का 35%, वाई के ऊपर 35% का लाभ मिल रहा है, यानी वाई का 135 अपॉन 100। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दिया है कि व्यय बराबर है, ये 100 से 100 कट गया, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 135 अपॉन 145 बराबर ये हो जाएगा 27/29। तो 27/29 जो है वो अनुपात हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी।